हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ जैन। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशंस के बारे में। सो बेसिकली मुझे एक लीनियर इक्वेशन गिवन है विद टू वेरिएबल्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन। इसमें ए और बी दोनों इंटीजर हैं और मुझे एक्स और वाई के इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सो जब भी मैं किसी भी इक्वेशन का, किसी भी पॉलीनोमियल इक्वेशन का इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड कर रहा होता हूँ, तो उस केस में मैं उसको डायोफेंटाइन इक्वेशन बोलता हूँ, जब भी मैं कुछ इंटीजर एनालिसिस कर रहा हूँ। सो इस केस में मुझे एक लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन गिवन है और मुझे एक्स और वाई के इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ओके, सो सबसे पहली बात तो है कि क्या सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो अभी हम कोई कंस्ट्रेंट देखते हैं कि कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा। सो मान लो ए और बी का जी सी डी कुछ है जी, मान लो जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू जी। सो ये जो ये वाली फर्स्ट टर्म है, ये जी का मल्टीपल है और मेरी सेकंड टर्म भी जी का मल्टीपल है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कम्प्लीटली जी का मल्टीपल है, लेकिन राइट हैंड साइड तो वन है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जी का मल्टीपल है तो राइट हैंड साइड को भी जी का मल्टीपल तो होना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है जी की वैल्यू वन ही हो सकती है। तो अगर जी की वैल्यू वन होगी तभी उस केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर एक लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब ए और बी को प्राइम है। सो ए कोमा बी आर को प्राइम। सो अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को दो इंटीजर को प्राइम नंबर्स गिवन है ए और बी, और मुझे दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई सच डैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन। सो दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक एल्गोरिथम आज देखेंगे। उस एल्गोरिथम को हम कहते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ओके, सो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अभी के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है, ए इज़ लेस देन बी। अगर ऐसा नहीं भी है तो मैं जस्ट ए एक्स और बी वाई वाली टर्म को रिप्लेस कर दूंगा तो ए छोटा हो जाएगा। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो छोटी हो। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन, मेरी फर्स्ट टर्म का कॉफिशियंट जो है वो सेकेंड टर्म के कॉफिशियंट से छोटा हो, मैं बेसिकली ये चाहता हूँ। तब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख दूंगा ए एक्स प्लस b इंटीजर डिवीजन a टाइम्स a प्लस b मॉडुलस a इंटू वाई इक्वल टू वन। सो मैंने क्या लिख दिया इतना बड़ा, एक्चुअली ये है कि जब भी मैं b को a से डिवाइड करूँगा तो कुछ क्वेश्चेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो b क्या होता है, b इज इक्वल टू क्वेश्चेंट टाइम्स a प्लस रिमाइंडर, ये तो है ही ना। सो दिस क्वेश्चेंट इज दिस b डिवाइड बाई a का इंटीजर पार्ट। सो जब भी मैं इंटीजर डिवीजन करूँ, मतलब मैं डिवाइड करूँ बी को ए से, और जो भी इंटीजर पार्ट है सिर्फ उसको कंसीडर करूँ, तो दैट इज़ कॉफिशियंट, सॉरी क्वेश्चेंट। और बी मॉडुलस ए क्या है, वो रिमाइंडर है। तो मैं अपने बी को इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ए एक्स प्लस बी बाई ए टाइम्स ए इंटू वाई प्लस बी मॉडुलस ए इंटू वाई इक्वल टू वन। अब मैं थोड़ी बहुत टर्म्स की रीऑर्डरिंग करूँगा, सो ये हो जाएगा बी मॉडुलस ए टाइम्स वाई प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई ए इंटू वाई इक्वल टू वन। इस वाई को मैं एक्स वन लिख देता हूँ, सो बी मॉडुलस ए टाइम्स एक्स वन प्लस ए टाइम्स इस बड़ी सी टर्म को मैं अभी के लिए वाई वन लिख देता हूँ इज इक्वल टू वन। सो मैंने देखा कि मेरी जो ओरिजिनल लीनियर इक्वेशन थी वो एक अनदर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। बिल्कुल सेम ये भी एक लीनियर इक्वेशन है जिसके दो कॉफिशियंट्स हैं, दोनों कॉफिशियंट्स जो हैं वो इंटीजर होंगे, और एक्स वन और वाई वन के भी मेरे को इंटीजर सोल्यूशन फाइंड करने हैं। और अगर मैंने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर दिया तो मेरे को पता है x1 वन इक्वल टू वाई है और x प्लस बी बाई ए इंटू वाई जो है वो y1 है, तो इनके रिलेशन से मैं x और y की वैल्यू भी फाइंड कर लूँगा। तो मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के भी सॉल्यूशन फाइंड कर लूँगा अगर मैंने अपनी इस नई इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। और इस नई इक्वेशन में एक और ख़ास बात यह है कि मेरी ओरिजिनल इक्वेशन के कॉफिशियंट्स थे a और b। अब मुझे पता है कि a जो है वो b से छोटा है और b मॉडुलस a जो है वो a से छोटा है, क्योंकि अगर मैंने एक a से किसी भी चीज़ को डिवाइड किया किसी नंबर को तो रिमाइंडर जो आएगा वो ऑफकोर्स a से छोटा होगा। तो b मॉडुलस a भी a से छोटा है, तो इस नई इक्वेशन के जो कॉफिशियंट्स हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन के कॉफिशियंट से छोटे हैं। तो
अगर मैं इस काम को रिकर्सिवली करूं, बार बार मैं इक्वेशन को एक अनदर इक्वेशन में कन्वर्ट करता रहूं, अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा रिड्यूस करूं, तो इसके कोफिशियंट्स बार बार रिड्यूस होते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब कोफिशियंट्स रिड्यूस हो के ऐसी हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, 1x + by = 1। अब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो बहुत ऑब्वियस है, इसका सॉल्यूशन है x = 1 और y = 0। अगर मैं x = 1 रख दूँ और y = 0 रख दूँ तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी। सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे निकल जाएगा। अगर मैं रिकर्सिवली बार बार अपने इक्वेशन को एक स्मॉलर इक्वेशन में रिड्यूस कर रहा हूँ, और फिर मैं रिवर्स जाकर अपने करंट इक्वेशन के सॉल्यूशन से प्रीवियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दूँ, कैसे? मुझे यहाँ पर देख के पता लग रहा है कि x1 जो है वो y है, x1 = y है, और y1 जो है वो मैं यहाँ से देख के पता लगा दूंगा कि x + b/a * y है। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि x जो है वो यहाँ पर से आ जाएगा इस वाली इक्वेशन से, y1 - b/a (x1), और y जो है वो x1 है। तो अगर मैंने अपनी करंट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया, अगर मैंने अपनी इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया, तो ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ जो भी मैंने ये वाले एक्सप्रेशंस लिखे हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस की हेल्प से। यही है मेरी एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, कि मैं बार बार अपनी इक्वेशन को एक स्मॉलर कोफिशियंट वाली इक्वेशन में रिड्यूस करूं, और बार बार मैं रिड्यूस करता रहूं अनटिल अनलेस एक बेस केस में कन्वर्ट ना हो जाए, जो कि बेस केस है ये। इस केस में मेरे को डायरेक्टली सॉल्यूशन पता लग जाएगा, और अगर मुझे अपनी करंट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन पता चल चुका है तो मैं उससे प्रीवियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लूंगा, उससे प्रीवियस वाली का सॉल्यूशन निकल जाएगा, और ऐसे करते करते मेरी ओरिजिनल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर, एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं अभी के लिए। सपोज मैंने करा 5x + 8y = 1। अब 5 और 8 का GCD 1 है, सो दे आर को प्राइम, सो यहाँ पर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 8 modulus 5, विच इज़ 3x + 5y = 1 में। इसको मैं रिड्यूस करूँगा 5 modulus 3, विच इज़ 2x + 3y = 1 में, और इसको मैं रिड्यूस करूँगा 3 modulus 2, विच इज़ 1x + 2y = 1 में। तो अगर मेरी लास्ट वाली इक्वेशन जो है वो बेस केस वाली इक्वेशन है, x = 1 and y = 0, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर मेरी इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया, तो अभी जो मैंने पीछे एक्सप्रेशंस लिखे हैं उसकी हेल्प से इससे प्रीवियस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन निकल जाएगा, उससे इस सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन निकल जाएगा, और ऐसे करते करते ओरिजिनल इक्वेशन का, मेरी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, इसका सोल्यूशन भी निकल जाएगा। सो दिस इज़ अवर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ओके, इसको आप कोड करके ट्राई करिएगा और फाइंड करने की कोशिश करिएगा कि ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होगा। अब मान लो मेरे को इक्वेशन गिवन थी, स्टार्टिंग में मेरे को इक्वेशन गिवन थी ax + by = 1। अब मान लो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ax + by = c। अब मैं अपने सेम प्रोसीजर का यूज़ करके इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और आप ये खुद ट्राई करिएगा कि मुझे अपनी ओरिजिनल एल्गोरिथम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि मेरी अब एक जर्नल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाए। एंड वन मोर थिंग, इस वाली इक्वेशन में कंस्ट्रेंट था कि ए और बी को प्राइम होने चाहिए, इस वाली सिचुएशन में क्या कंस्ट्रेंट होगा, ये कंस्ट्रेंट भी आपको खुद सोचना है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है या कोई पार्ट इसमें समझ नहीं आया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी क्वेरी प्लीज़ बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।